तो गाइज ये है बैटल अपर मिड रेंज किंग्स का, दो सबसे बड़े स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया के, मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस और सैमसंग की। ये है वन प्लस 11R वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A54, ये है 5000mAh बैटरी वर्सेस 5000mAh बैटरी। सो इन दोनों फोन्स में कौन सा सबसे, किसका सबसे ज़्यादा बेहतर एंड्योरेंस है, चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं बैटरी ड्रेन कंपैरिजन बिटवीन वन प्लस 11R एंड सैमसंग गैलेक्सी A54। बट ऑफ कोर्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, रेड वाले बटन को दबा दो और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइमर लगा के दोनों डिवाइस को बूट कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो वन प्लस 11R सबसे पहले मतलब लाइट अप करा था, बट बूट होने में एक मिनट जल्दी हो गया गैलेक्सी A54 से। तो स्पीड में डेफिनेटली वन प्लस 11R जल्दी बूट होता है। तो दोनों ही फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, ब्राइटनेस और ऑडियो को 50% पे सेट कर दिया है, बैटरी 100% है, बैटरी हेल्थ भी 100% है। तो हमेशा की तरह अगर आप पहली बार देख रहे हो ये बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो, तो बता दूं कि 6 घंटे की हम टेस्टिंग करते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं टेस्ट को 2 घंटे की यूट्यूब वीडियो प्लेबैक के साथ, उसके बाद हम करते हैं 1 घंटे की 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग, फिर होते हैं 1 घंटे के बेंचमार्क्स, फिर करते हैं कुछ 1 घंटे की गेमिंग और एंड करते हैं टेस्ट को 1 घंटे का सोशल मीडिया रन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 घंटे वाले YouTube वीडियो प्लेबैक के साथ। और फ्रंट प्रोफाइल की जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की। तो वन प्लस 11R में आपको कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो देखने में काफ़ी शानदार लगती है, बट मेरे हिसाब से ना जो Samsung Galaxy A54 में जो फ्लैट डिस्प्ले मिलती है वो डेफिनेटली भाई थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और विजुअली अपीलिंग भी Samsung की डिस्प्ले लगती है। तो दोनों ही जैसे AMOLED डिस्प्लेज हैं, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आते हैं, 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, HDR वीडियो प्लेबैक भी आपको दोनों फोन से मिल जाता है। तो साइड बाय साइड आप देख सकते हो कि Galaxy A54 में मतलब ना केवल ब्राइटर वीडियो देखने को मिलती है, बट ये मतलब Galaxy A54 की डिस्प्ले वाइब्रेंट भी है दोनों ही फोन्स में। और ट्रस्ट मी दैट वन प्लस 11R की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है गाइस, अपने खुद के एक क्लास में है। बट अगर इसको मैं साइड बाय साइड जैसे मैंने रखा है Galaxy A54 के सामने, भाई पता लग जाता है कि Galaxy A54 की डिस्प्ले सुपीरियर है। और मैं आपको बता दूं दोनों फोन्स की ब्राइटनेस 50% पे सेट है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बट साइड बाय साइड ये तो ऐसा लग रहा है कि Galaxy A54 की ब्राइटनेस मैंने 100% पे कर दी है। पर हाँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, Galaxy A54 की AMOLED डिस्प्ले डेफिनेटली वन प्लस 11R की AMOLED डिस्प्ले से बेटर है। और उसी के साथ हमारा 2 घंटे का YouTube वीडियो प्लेबैक खत्म होता है। करंटली वन प्लस 11R लीड में है 94% बैटरी के साथ, वहीं Galaxy A54 में बचती है 91% बैटरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब टाइम है 1 घंटे की 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, 1080p 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग। और दोनों फोन्स के कैमरा स्पेक्स पे अगर नज़र मार ले तो 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिल जाता है Galaxy A54 में, साथ ही साथ 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 5MP का मैक्रो कैमरा, साथ ही 32MP का सेल्फी कैमरा भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। बात करें वन प्लस 11R की, तो यहाँ पर भी आपको 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा मिलता है, साथ ही 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2MP का मैक्रो कैमरा और 16MP का सेल्फी स्नैपर यहाँ पर आपको मिल जाता है। एक और बात ध्यान में रखना कि Galaxy A54 से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो दोनों ही फ्रंट और रियर कैमरा से, वहीं वन प्लस 11R में केवल रियर कैमरा से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। ऑफकोर्स अगर इन दोनों फोन्स के कैमरा परफॉर्मेंस के अराउंड और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, फाइबर चैनल पे लाइव है इन दोनों फोन्स के अराउंड। और अगर आप एक फुल कंपैरिजन देखना चाहते हो वन प्लस 11R वर्सेस Galaxy A54, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एनीवे, 1 घंटे के 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद वन प्लस 11R अभी भी लीड में है, 82% बैटरी बची है यहाँ पर, और Galaxy A54 में थोड़ा बहुत पीछे है 79% बैटरी के साथ। तो 3 घंटे जा चुके हैं, अब टाइम है कुछ बेंचमार्क्स रन करने का दोनों स्मार्टफोन्स पर। हम स्टार्ट करते हैं Geekbench 6 के साथ। तो हार्डवेयर की अगर बात करूँ तो वन प्लस 11R में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8+Gen1 SoC और साथ ही अप टू 16GB रैम मिल जाता है, अप टू 256GB स्टोरेज मिल जाता है। वहीं Galaxy A54 में Exynos 1380 प्रोसेसर मिलता है और साथ ही अप टू 8GB रैम ऑप्शंस एंड अप टू 256GB स्टोरेज ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ऑफ कोर्स रॉ हार्डवेयर के मामले में वन प्लस 11R मतलब सुपीरियर है गाइस, बट सरप्राइजिंगली अगर हम Geekbench स्कोर्स पर एक नज़र मारें तो Galaxy A54 ने एक्चुअली आउट परफॉर्म करा भाई वन प्लस 11R को, अगर हम सिंगल कोर स्कोर पर नज़र मारें। हालांकि हाँ, वन प्लस 11R ने डुअल कोर स्कोर के मामले में यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस थी। अब Antutu की तरफ अगर आ जाए तो वन प्लस 11R अगेन दिखा देता है भाई कि ओवरऑल स्कोर उसका बेटर है, वहीं स्पेशली GPU स्कोर पर अगर नज़र मारें माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, Galaxy A54 का भाई कोई भी चांस यहाँ पर नहीं बनता।
हालांकि गैलेक्सी A54 ने CPU परफॉर्मेंस के मामले में थोड़ा यहाँ पर बेटर परफॉर्म किया OnePlus 11R से। अब जो आखिरी बेंचमार्क इस टेस्ट में है वो है 3D Mark, और इस पे आप देख सकते हो गैलेक्सी A54 ने 99.5% स्टेबिलिटी स्कोर करा। एवरेज लूप स्कोर कुछ 800 की रेंज में था, और OnePlus 11R वहीं पे 60.4% स्टेबिलिटी स्कोर करी, जो ज़्यादा नहीं है। हाईएस्ट लूप स्कोर रहा अबाउट 3200 और लोएस्ट लूप स्कोर रहा अराउंड 1600। सो आप मुझे अब एक बात बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन पिक करना चाहोगे, मतलब क्या आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो ओकेश परफॉर्मेंस देता है बट सस्टेन परफॉर्मेंस देता है, जो गैलेक्सी A54 का केस रहा, या फिर आप एकदम फास्टेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हो अपने स्मार्टफोन में पर चांस रहेगा कि भाई डाउन द लाइन थोड़ा बहुत थ्रॉटल मारेगा, वो केस है OnePlus 11R का, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। एनीवे 3 घंटे 45 मिनट कुछ निकल चुके हैं OnePlus 11R, अभी 69% बैटरी बची हुई है इस फ़ोन में। वहीं गैलेक्सी A54 ने स्लोली बट स्टेडली भाई गैप को थोड़ा क्लोज कर दिया, अभी 68% बैटरी बची है A54 में। तो अब कुछ 5 घंटे के मार्क तक हम एस्फाल्ट 9 चलाएंगे दोनों फोन्स पे, और अगेन अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ जैसे कि आपने सिंथेटिक बेंचमार्क से भी देखा, OnePlus 11R भाई बेटर फ़ोन है व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द फ्लैगशिप चिपसेट जो OnePlus 11R में आपको मिल जाता है, और इवन एस्फाल्ट 9 वाली गेम में भी आप देख सकते हो गेम प्ले कितना स्मूथ है भाई OnePlus 11R में। 60 FPS का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है, A54 में आपको वो नहीं मिलता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि भाई गैलेक्सी A54 में आपके मोस्ट ऑफ द गेमिंग नीड्स ना भाई सेटिस्फाई हो जाएंगी, पर अगर आपको एकदम ताबड़तोड़ गेमिंग परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए दोनों के बीच, तो OnePlus 11R विदाउट अ डाउट भाई सुपीरियर है, और कोई भी ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम आप उठा के फेंक दो OnePlus 11R पे वो आराम से हैंडल कर लेगा। तो 5 घंटे इस टेस्ट में निकल चुके हैं, सरप्राइजिंगली गैलेक्सी A54 ने भाई लीड ले लिया पहली बार इस टेस्ट में, और 5% की लीड लिया भाई। A54 की अभी बैटरी जो है वो है 54%, वहीं OnePlus 11R अभी थोड़ा मतलब पीछे रह गया, 49% बैटरी बची है OnePlus 11R में। तो उसी के साथ अभी हम मतलब आखिरी टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं इस बैटरी ड्रेन टेस्ट कंपैरिजन में, और अब टाइम है 1 घंटे का इंस्टाग्राम रन करने का, उसके बाद हमें मिल जाएगा इस वीडियो का फाइनल विनर। तो चलिए, पूरे 6 घंटे बीत चुके हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब टेस्टिंग कर ली दोनों ही फ़ोन्स पे, और फाइनली जो विनर है इस बैटरी ड्रेन टेस्ट कंपैरिजन का वो है गैलेक्सी A54, जिसमें अभी भी बचती है 44% बैटरी, वहीं सेकंड आता है OnePlus 11R जिसमें बचती है 38% बैटरी। ये घंटे बाय घंटे का एक ब्रेकडाउन चार्ट है आपकी स्क्रीन पर, आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके एक नज़र मार सकते हैं। तो अगर मोटा मोटा करके बताऊं तो गैलेक्सी A54 और OnePlus 11R पहली बात है कि भाई बहुत क्लोजली प्राइज्ड हैं, पर अगर ऑनेस्टली एक बात बताऊं तो फॉर द काइंड ऑफ हाई एंड हार्डवेयर जो आपको OnePlus 11R में मिलता है भाई, ये फ़ोन एब्सोल्युटली जस्टिफाइड है अपने प्राइस पॉइंट के लिए। वहीं गैलेक्सी A54 के साथ आप एक बात समझ लो कि भाई अपने आप में बहुत अच्छा फ़ोन है और एक सॉलिड चॉइस है भाई किसी के लिए भी जो एक फ्लैगशिप सैमसंग एक्सपीरियंस पाना चाहता है मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में। हालांकि प्राइसिंग जैसे मैंने बताया, प्राइसिंग को थोड़ा बेहतर किया जा सकता था गैलेक्सी A54 के साथ। पर हाँ गाइस, आपका इस वीडियो को लेके, इस बैटरी ड्रेन टेस्ट कंपैरिजन को लेके बिटवीन द OnePlus 11R एंड गैलेक्सी A54 क्या ख्याल है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही अगली वाली वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।